इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, ये आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल है। कार्यक्रम है किसान की बात, लेकर हाजिर हैं एक और नया अंक। एक्सपर्ट भी हमारे स्टूडियो में है, मेरे साथी अमित मेरे साथ हैं, और आज का टॉपिक क्या है ये भी आपको बताएंगे। बिल्कुल नीरज, जैसे आपने कहा कि जो टॉपिक है किसान की बात कार्यक्रम है, हमारे श्रोताओं को इंतजार रहता है। और भाई, हम कार्यक्रम किसान की बात में डॉक्टर्स को बुलाते हैं, विशेषज्ञ आते हैं, वैज्ञानिक उपस्थित होते हैं, विषय नए नए होते हैं, हर रोज नया विषय होता है, विशेषज्ञ होते हैं उस पर पूर्ण जानकारी के लिए। और एक आशा होती है कि हमारे द्वारा यहाँ कार्यक्रम में जो जानकारियां दी जा रही हैं उससे देश का जो किसान है वो लाभान्वित हो, जो अन्नदाता है उसके खेत खलियान खिलखिलाते रहें, आमदनी अच्छी हो, रोजगार के जो संसाधन हैं उन्हें हम अपने आसपास ही कहीं ना कहीं देखें, क्योंकि कृषि एक इतना विशाल क्षेत्र है। यदि हम देखें देश की अर्थव्यवस्था के माध्यम से देखें, रोजगार के क्षेत्र में देखें या शिक्षा के क्षेत्र में भी, अब तो हम जान रहे हैं कि इस देश का युवा बढ़ चढ़ के कृषि शिक्षा में हिस्सेदारी दे रहा है और उसे कहीं ना कहीं वैश्विक पंक्ति में भारत को अग्रणी करने में एक अच्छा स्थान रख रहा है। आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाधार मिश्र। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। सभी कृषक भाइयों को हमारा भी नमस्कार। बिल्कुल, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत स्वागत है जी। और नीरा, हमारे जो श्रोता है, बस हमेशा यही होती है बात की अब जो समय चल रहा है, ऐसे समय में हम क्या ऐसे उपाय करें, ऐसी कौन सी कृषि की विधियों को अपनाएं जिससे हमारी आमदनी अच्छी हो। बिल्कुल, और आप इशारों में ये कह रहे हैं कि आज का जो विषय बड़ा मजेदार है। और विषय की अगर हम बात करें तो विषय बताने से पहले आपको ये भी बता दें कि जैसे आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम होता है हमारा फोन इन कार्यक्रम, तो विषय जो है वो हम आपको बताएंगे आज का विषय। उस पर पूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। आप अगर इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें डायल कर सकते हैं, 011 हमारा एसटीडी कोड है और टेलीफोन नंबर है 2342106 08। और भाई, अब और इंतजार नहीं करवाते अमित, और आज का जो टॉपिक है वो बता देते हैं। बिल्कुल भाई, हमारे सभी साथियों को बता दें कि आज हमारी चर्चा रहेगी अधिक आमदनी हेतु प्राकृतिक खेती में बहुस्तरीय फसलें अपनाएं। बहुस्तरीय फसलें अपनाएं, ये ऐसा हमारे कुछ श्रोता हैं जिन्हें लग रहा होगा कि कौन कौन सी ऐसी बहुस्तरीय फसलें हैं जिन्हें हम अपनाएं, इससे हमारी जो आमदनी है वो कैसे बढ़ेगी। इन सब बातों पर चर्चा के लिए ही डॉक्टर शिवाधार मिश्र हमारे साथ हैं। और इस पर अगर आप जानकारी चाहते हैं इसी विषय पर तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर एक बार फिर बता देते हैं, 011 एसटीडी कोड है। अगर दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो एसटीडी कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। और टेलीफोन है 2342106 08। बिल्कुल, आपके भाई जो प्रश्न है उनका इंतजार हमें रहेगा और आपके प्रश्नों का जो उत्तर है उसके देने के लिए यहाँ हैं डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले हम ही कार्यक्रम में आपसे जो शुरुआत करना चाहेंगे ताकि एक भूमिका के रूप में हमारे सभी श्रोताओं तक ये जानकारी पहुंचे कि जो आज का विषय है अधिक आमदनी हेतु प्राकृतिक खेती में बहुस्तरीय फसलें अपनाएं। तो बहुस्तरीय फसलें, इसका जो एक विस्तार है, जो इसकी परिभाषा है, जो हम इसे समझते हैं, उसके विषय में आप जानकारी दें। बहुस्तरीय फसलें जो है ना, इन बहुस्तरीय फसलों से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि प्राकृतिक खेती में हम जो बहुस्तरीय फसलों की बात करते हैं और जो बिना प्राकृतिक जो ऐसी होती है या अभी जो हो रही है जी, उस खेती में किस तरीके से बहुस्तरीय फसलों की बात करते हैं। असल में मल्टी टायर सिस्टम, एक बहुस्तरीय फसलों की जो सिस्टम है, आप हमारे दक्षिण भारत के बहुत सारे प्रदेशों में चले जाइए तो वहां आप देखेंगे कि वो पहले नारियल के पेड़ हैं, उसके अलावा उनपे काली मिर्च भी है, उसके अलावा नीचे अनानास भी हो रहा है। तो इस तरीके से नीचे ऊपर दो तीन स्तर बन गए उन्हें ऊंचाई के हिसाब से अगर देखा जाए जी जी। तो इससे क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है ना जी, वो हरेक को यथावत जिसको जितना चाहिए उतना मिल जाता है। जो छायादार जगहों को जो फसलें ज्यादा पसंद करती हैं उन्हें नीचे लगाया जाता है, जो जिन्हें कम छाया चाहिए, थोड़ी सी धूप भी चाहिए तो उन्हें बीच में कर दिया, और जिन्हें बहुत ज्यादा धूप चाहिए वो ऊपर वाली हो जाती है। बिल्कुल, तो इस प्रकार से ये स्तर, कई स्तर हो जाते हैं हमारे खेती करने के। इसको अगर हम प्राकृतिक खेती में लें तो कंसेप्ट वही है, बात वही है कि हम फसलों को, विभिन्न फसलों को लें, जैसे हम नीचे फैलने वाली फसलें उनकी ले लें, साथ में कोई हम झाड़ियों टाइप की जो फसल जो थोड़ी ऊंची बढ़ती है उसको ले लें, अरहर को लगा लें तो अरहर थोड़ी ऊंचाई ली हो तो मूंग को लगा लें तो नीचे वो फैलती है। तो इस प्रकार से विभिन्न स्तर की फसलें हम जो है हम ले सकते हैं, तो इसी को बहुस्तरीय फसलों के श्रेणी में लाते हैं। बिल्कुल, जहां तक बात समझ में आ रही है तो हम समझते हैं कि स्तर मतलब ऊंचाई जो अलग अलग है प्लांट्स की जो एग्रीकल्चर में है उनको किस प्रकार से हम संयोजन उनका कृषि में
कर सकते हैं, इसी विषय पे आज हमारी लंबी चर्चा होनी है। और हमारे साथ श्रोता हमारे जुड़ रहे हैं। हेलो, लखनऊ से राजावाद कर रहा हूँ। जैसा कि आज बड़ा अच्छा ये शो आपने किया है अपने आमदनी बढ़ाने के लिए, जी जी, तो खास करके मैं जानना चाहूंगा कि कौन सी खास फसलें हैं और वो फसलें में मतलब कितनी लागत लगेगी और कितने दिन में उनकी पैदावार होगी, तो जिससे हम लोगों को ज्यादा मुनाफा हो सके, इसके बारे में सर जी जरा प्रकाश डालने के। ऐसा है कि जो फसलें हैं, फसलें कोई अन्य फसलें नहीं है, हम जो आप उगाते रहते हैं फसलें वही फसलें हैं, बस तरीका अलग है। सभी कुछ ले सकते हैं आप, गेहूं, धान और जितनी भी फसलें आप उगाते हैं, कई जो दाल वाली फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं, सभी फसलें हम उगा सकते हैं। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी फसलें लें जो कम वो प्रयोग करती हों पोषक तत्वों का। जैसे दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो हमारी प्राकृतिक खेती में चूँकि हम बहुत ज़्यादा इनपुट की बात नहीं करते, जो आप हमारे खेत में हमारी गाय के पास हमारे घर में जितना तैयार होता है ना जो इनपुट, हम वही लगाते हैं। हम बाहर से खरीदने का मना करते हैं कि आप भाई उसी में करिए, उसी में बनाइए, चाहे जीवामृत बनाइए, घन जीवामृत बनाइए और उसमें यूज करिए। तो इस तरीके से प्राकृतिक खेती में हम उन फसलों को सिलेक्ट करेंगे, जैसे पुराने जमाने में भी होता आया, तो पहले हाई यील्डिंग वैरायटी कहाँ होती थी, ना धान की थी, ना गेहूं की थी, ना गन्ने की थी, तो उन प्रजातियों की जगह अगर आपके पास देसी अनाज है, बहुत सारे आजकल जो हम मिलेट की और श्री अन्न की बात हो रही है, इनका भी समावेश हम कर सकते हैं। श्री अन्न को हम अगर प्राकृतिक रूप से उगाएं तो भरपूर पैदावार भी ले सकते हैं, और उसकी गुणवत्ता का तो कहना ही क्या, जब आप प्राकृतिक रूप से उगाएंगे तो जाहिर है प्राकृतिक होगी, उसमें प्रदूषण नहीं होगा, उसमें केमिकल नहीं होंगे, रसायन नहीं होंगे जो कि हानिकारक होते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी फसलों को समावेश करके आप बाजार में अपनी साख बना सकते हैं कि हम प्राकृतिक खेती से या जैविक खेती से हमने जो उगाई हुई है ये फसलें, और इन फसलों की कीमत भी आपको ज्यादा मिल जाएगी जब अधिक आय की बात होती है। बिल्कुल सही बात। तो कोई भी आजकल जो कंज्यूमर है, जो हमारा उपभोक्ता है, वो चाहता है हमें बिना जहर वाली चीज मिले, भले ही हमें थोड़ी सी महंगी मिल जाए। जी जी। तो इस प्रकार से अगर आप अपना प्रूव करें कि आप ऐसा नहीं प्रयोग कर रहे हैं, कोई जहर नहीं प्रयोग कर रहे खेती करने में, तो निश्चित ही हमारे उपभोक्ता है आपसे ज्यादा कीमत पे लेंगे और आपको लाभ बढ़ेगा। तो ये ज्यादा लाभ का कंसेप्ट यहीं से उभरता है। बिल्कुल, धन्यवाद राजा जी ने पूछा प्रश्न, और बहुत सारे हमारे श्रोताओं की जो जिज्ञासा है वो शांत हुई होगी, क्योंकि जो प्राकृतिक खेती है उसमें निश्चित रूप से जो जैविक है, और जो कहते हैं ना कि जो भी गुणवत्ता है वो हमारे शरीर को सुधारेगी। और सबसे बड़ी बात ये है अमित, की जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई अगर हमें पता है कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तो फिर चाहे वो दो पैसे अगर हमें महंगा भी मिलता है तो हम खरीदने के लिए जल्दी से तैयार हो जाते हैं। और डॉक्टर साहब, साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि इसका स्वाद इतना बढ़िया होता है कि एक बार अगर आप इसे चख लेते हैं तो फिर आप मजबूर हो जाते हैं कि इसी को खरीदें। देखिए, हर एक आदमी बात करता है कि भाई प्योर हो, शुद्ध हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो शुद्धता की तो अलग ही पहचान होती है, चाहे आपकी जीभ पे शुद्ध चीज जाए, चाहे आपके आंखों के सामने शुद्ध चीज आए। तो शुद्ध आप खाना देंगे हमारे उपभोक्ताओं को, शुद्ध भोजन तैयार करें अगर प्राकृतिक से, तो जाहिर है कि सब लोग ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। बिल्कुल जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बोल रहे हैं और क्या सवाल है। हेलो। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। मैं मान बहादुर सिंह 115 सेक्टर नोएडा से बोल रहा हूँ। जी स्वागत है सर। मैं ये चाहता हूँ कि अपने खेत में एक मरुआ मरुआ नाम का फसल आती थी, सुने हैं क्या, यहाँ क्या नाम है हमें नहीं पता है सर। हाँ, मरुआ ही कहते हैं। मरुआ भी वो जो है उंगली के जैसे होता है, उसको रागी भी कहते हैं, रागी भी कहते हैं, और उसको फिंगर मिलेट भी कहते हैं अंग्रेजी में। फिंगर मिलेट। हाँ, तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ। हाँ, बीज कहाँ से मिल जाएगा आपको? बीज आजकल तो आप नोएडा से बोल रहे हैं, आप गौतम बुद्ध नगर के केबीके में बात करिए, आप कृषि विज्ञान केंद्र में, उनके पास शायद बीज उपलब्ध है मड़ुआ का। और अगर आप थोड़ी बहुत शुरुआत करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे पूसा संस्थान से भी ले सकते हैं, और ज्यादा अगर चाहिए तो हमारे बाजार में हमारे NSC वाले भी रागी का बीज तो बहुतायत उपलब्ध है, बहुत सारे संस्थान इसको देते हैं। तो आपको कितने से शुरुआत करना है, कितने खेत में बोना है, इस हिसाब से आप निर्णय करिए। और इसका तो बहुत कम बीज की आवश्यकता होती है, बीज छोटा होता है, 12 से 15 किलोग्राम बीज में आपका 2.5 एकड़ हो जाएगा। जी, तो आप देख लीजिए, कई जगह हैं, कई स्रोत हैं, और मड़ुआ की खेती कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि भाई इन्हें बीज की समस्या है, कहाँ से मिले, तो नजदीकी जो भी हम अगर आज तो गूगल है, नेट पे डालते हैं, फौरन बताता है कि कहाँ कृषि विज्ञान केंद्र बहुत पास में, और बता भी दिया हम लोगों ने। हाँ जी, बस। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं, जो बात चल रही है बहुस्तरीय फसलें, जिसके विषय में शुरू में बात होगी कि ऊंचाई का स्तर देख के हमें फसलें खेतों में लगानी है, तो इसके विषय में आप ये बताएं कि कौन कौन सी फसलें हैं जिन्हें हम अपने क्षेत्र में या जहां भी हमारे किसान भाई ये खेती करना चाहते हैं तो किस प्रकार अपनाएं, कौन कौन सी फसलें हैं और उनका किस प्रकार बहुस्तरीय
कृषि में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए बहुस्तरी को हम कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जी बहुस्तरी एक तो हम ऊंचाई के हिसाब से देख सकते हैं। जी जैसे मिलवा फसल या मिश्रित फसल होती है या इंटरक्रॉपिंग कहते हैं अंतर होती है, तो ये दोनों तरीके के इसी श्रेणी में आ जाते हैं कि आप दो तरीके की फसलों को बो रहे हैं, आप तीन तरीके के भी बो सकते हैं, आप चार तरीके के भी बो सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे हम आजकल जो हरित क्रांति के बाद सिर्फ गेहूं बो रहे तो गेहूं ही बो रहे हैं, मक्का बो रहे तो सिर्फ मक्का ही बो रहे हैं। तो सिंगल जो एकल फसल का पद्धति है उसको हमारे प्राकृतिक पद्धति में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम दो या तीन फसलों को जब मिलाते हैं तो ये देखते हैं कि एक फसल दूसरे फसल के लिए कैसे फायदेमंद है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम गेहूं लगा रहे हैं या जौ लगा रहे हैं, इसके साथ में अगर हम चना भी लगाते हैं और मसूर भी लगाते हैं, चना या मसूर, तो चना और मसूर जो है उसमें जो नाइट्रोजन निकलेगा उसकी जड़ों में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा उसे जौ या गेहूं ले लेगा। तो हमें अलग से हमें जौ के लिए या गेहूं के लिए नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से फसलों का जो विन्यास है ऐसा रखते हैं कि एक की जरूरत दूसरी पूरी कर सके। दूसरा हमें पैदावार के लिए हिसाब से अगर देखना पड़ेगा तो प्राकृतिक खेती में कोई सही विन्यास भी नहीं अपनाने की जरूरत होती है। अगर आप देखें आपका कोना कहीं खाली है तो कोने में एक छोटा सा ऐसा पेड़ लगा दिया या कोई ऐसे फल का पेड़ भी लगा दिया आपने, तो वो भी प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आ जाता है। आप सपोज जो कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं, जो बेल वाली फसलें होती हैं ना, उनके बीच में आपने भिंडी लगा दी तो भिंडी ऊपर चलती है और बेल नीचे चलेंगी। हाँ, तो इस तरीके से आपने ज्वार बोया है, चरी बोई है जानवरों के लिए, साथ में आपने लोबिया भी लगा दिया, लोबिया की फलियां अलग से मिल गई और चारा जानवरों के लिए हो गया। तो इस तरीके से ये मिक्स भी करके, और मिक्स जब भी किया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ ये लगाया जाता है कि ऊंचाई दोनों की अलग अलग हो, दोनों की जड़ों का तरीका अलग हो, कुछ जड़ें सीधी जाती हैं, कुछ जड़ें फैलती हैं, तो फैलने वाली जड़ के साथ में सीधी अंदर जाने वाली जड़ों की फसलें लेनी चाहिए। तो ये सिद्धांत हमारे फसल चक्र के भी सिद्धांत हैं जो कि हमारे इसी से निकल के आए हैं, क्योंकि पहले हम प्राकृतिक खेती करते थे, जैविक खेती थी या प्राकृतिक खेती थी, ये तो 1960 के बाद जब यहाँ पे हमारे यहाँ हरित क्रांति आई उसका आगाज हुआ, उसके बाद हमने जो बहुत सारे रसायन और उर्वरक प्रयोग करने शुरू किए और ज्यादा पैदावार वाली सिंगल फसल एकल फसलों की खेती शुरू की। नहीं तो हम तो इस तरीके से मिला के बोते थे। उत्तराखंड में आप चले जाइए, वहां वाराणाजा सिस्टम था। वाराणाजा सिस्टम एक प्राकृतिक खेती का बेहतर उदाहरण है। तो आप उस सिस्टम में उत्तराखंड में आप देखिए कि वो बारह अनाज एक साथ कैसे कैसे बोते थे। अगर कोई बाहर का चला जाए, हमारे जैसा जो आजकल के वैज्ञानिक जो बात करते हैं कि बहुत वैसी होनी चाहिए खेती हरित क्रांति के बाद, बहुत हाई यील्डिंग वैरायटी, ये लोबोल, वहां बारह चीजों को एक साथ मिला देते, एक साथ मिला के बुआई कर देते थे। अब उसमें क्या होता था, उसमें गहत होता था, उसमें सोयाबीन होती थी और उसमें जव होता था, उसमें कई तरीके की ये लोबिया होता था, इस तरीके से मड़ुआ होता था और भी मिलेट्स होते थे जी। तो इनका मुख्य पर्पज ये था, राजमा भी होता था, इन सबको मिला के उनका ये होता। अगर कोई बाहर का वैज्ञानिक आ जाए वो कहे ये क्या इसमें मिक्सचर कर रखा है इस तरीके का, लेकिन वो हमारे जो खेत पहाड़ के होते जहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं थी, तो उसमें कुछ फसलें ऐसी होती थी अगर पानी महीने भर नहीं बरसा तो उसमें कुछ न कुछ फसलें जिंदा रह जाएंगी। अगर एक फसल मर गई तो दूसरी फसल तो रहेगी रहेगी, अगर कुछ नहीं बचा तो चारी की फसल उसमें बच जाएगी, उसमें फलियां भी मिल जाएंगी जिससे कि आप सब्जी बना सकें, उसमें बाद में आपको अनाज भी मिल जाएगा, उसमें आपको कंद भी मिल जाएगा, उसमें आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। और जहां तक उसका सवाल है, एक तो हम मौसम की मार से उससे बचते थे, दूसरा ये था कि उसमें जो पोषक तत्वों की आपूर्ति है जी, वो पोषक तत्वों की आपूर्ति एक दूसरी फसल की हो जाती, कोई अलग से उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो ये सारे हमारे प्राकृतिक सिस्टम जो हमारे पूर्वजों ने वर्षों से हजारों साल से करते आ रहे थे जी, उन सब चीजों में यही खासियत थी, वो विशुद्ध चीजें खाते थे और हर तरीके की परिस्थिति में वो फायदे में ही रहते थे, कभी घाटे का सौदा नहीं होता था खेती करना उनके लिए। तो ये है हमारी प्राकृतिक खेती जी। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है इनका। हेलो हेलो, बहुत अच्छे बोल रहे हैं जी सुक्रमपाल। हमने एक केला लगाया हुआ है, वो केला ऊपर से तो लग जाते हैं, उसमें नीचे आकर के लगने बंद हो जाते हैं, बाद में आके खराब होने लगता है। हाँ जी, एक ये बताओ जी, वो कितने दिन में पककर तैयार हो जाता है, ऊपर से लगा हुआ है, उसको 20-25 दिन हो गए लगे हुए को। सुक्रमपाल जी ऐसा है ना, आपने एक ही पेड़ लगा रखा है, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। लगा तो था जी एक ही, अब उसके पास में कई पेड़। अच्छा ठीक है, और दूसरे आपका कुछ वैरायटी कहीं से लेके आए थे कि ऐसे ही लोकल ले आए थे कहीं से?
वैसे जी लगा तो था, वो किसी ने एक बाग लगाया था, वैरायटी का तो जी पता नहीं है उसका, पर बाग में से एक जड़ निकाल करके लगाई थी। असल में सुखराम पाल जी, केले की हजारों प्रजातियां हैं अपने इंडिया में, कम से कम 1000 के करीब होंगी मैं तो कह रहा हूँ, और छोटा बड़ा कच्चा सब्जी वाला हर तरीके का केला होता है। अब मैं यहाँ से नहीं बता सकता आपका कि कौन सा ये आपने कौन सी प्रजाति लगाई है। तो पकने के लिए ज्यादातर तो जब एक फुल साइज केले ले लेते हैं उस समय उसको काट लेते हैं और उसको अलग से पकाते हैं, उसको ऐसा नहीं कि उसी पेड़ पे पकता है, ठीक है। तो अब ये आपको या तो आप मेरठ जाके, मेरठ में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहां से जाके हमारे कुछ वैज्ञानिक हैं वहां पे, वहां से बात करके उनसे पूरा पूछ सकते हैं कि ये प्रजाति थी और कितने दिन में पकेगी और कैसे होगा और क्यों ये खराब हो जा रहा है। और आप आगे से कभी भी कोई पेड़ लगाइए तो ये जानकारी जरूर रखिए कि हमारा ये प्रजाति कौन सी है और ये किस पर्पज से है, ये सब्जी के पर्पज से थी या पके हुए फल के पर्पज से है, अलग अलग उद्देश्यों से हम उगाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा, भी हमारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन बात करेंगे इस संदेश के बाद। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान, एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है, अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे, नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का
जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवाधार मिश्र। आप प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से हैं डॉक्टर साहब। और आज नीरज हमारी चर्चा चल रही है अधिक आमदनी हेतु प्राकृतिक खेती में बहुस्तरीय फसलें अपनाएं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जहां हम बात कर रहे थे बहुस्तरीय फसलों की, तो एक बात और जहन में आती है कि क्या खाद और पानी जैसे हम अन्य फसलों में देते हैं, तो इसमें कैसे भिन्न रहेगा ये? अन्य फसलों में चाहे हम जो कन्वेंशनल खेती जो आजकल चल रही है हरित क्रांति के बाद वाली, इसमें क्या है, हम सारी की सारी चीजें जैसे उर्वरक है वो भी बाजार से खरीद रहे हैं ज्यादातर। जो प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल यानी कि जो हमें दवाइयां चाहिए जो कीड़े मकोड़े और बीमारियों के लिए, वो भी बाजार से हम खरीद के डाल रहे हैं। तो सब चीज जो है हम बाहर पे निर्भर हैं, और जो कि हमारे सिस्टम के साथ हमारा जो एक तंत्र है उसमें जब आती हैं तो वो प्रदूषण तो फैलाती हैं, चाहे वो जमीन को प्रदूषित करती हैं या हमारे खाद्य पदार्थ को प्रदूषित करती हैं या हवा को प्रदूषित, कहीं ना कहीं से प्रदूषण होता है। लेकिन जो हमारी प्राकृतिक है इसमें हम कहते हैं कि आप अपने खुद तैयार करिए, अपने खेत में जो उपज हो रही है जो तैयार हो रहे हैं उन्हीं से हम पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे, उन्हीं से हम कीड़े मकोड़े बीमारियों को संभालेंगे। तो हम बाहर से कोई चीज नहीं लेने का, इसमें ये है कि सारे इनपुट जो कुछ हैं हमारे खेत के ही होंगे, हमारे घर के होंगे, ये सबसे बड़ा अंतर है। तो पोषक तत्वों की पूर्ति हम करने के लिए इसमें अलग तरीके के द्रव्य बनाते हैं, और ज्यादातर हम जो निर्भर है ये पूरा का पूरा ये निर्भर होता है सूक्ष्म जीवाणुओं पे। जी। हम इस तरीके के जैसे घन जीवामृत है, जीवामृत है, और कीड़े मकोड़े मारने के लिए कई तरीके के 10 पड़नी है और भी कई तरीके सब पड़नी है कहीं पे, तो ये सब चीजों को मिलाकर हम जो बनाते हैं इनमें बहुतायत होती है जो सूक्ष्म जीवाणु, और वो सूक्ष्म जीवाणु हमारी खेत की जान है, और इससे उनकी संख्या, उनका शक्ति, उनका जो परिवेश है वो बहुत उनके हिसाब से बनता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो जीवाणु खेत में उर्वरता को बढ़ाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पेड़ पौधे स्वस्थ रहते हैं, उन्हें भरपूर खुराक भी मिल जाती है, और कीड़े मकोड़े बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है। तो ये है दोनों में मुख्य अंतर कि किस तरीके से हम पोषक तत्वों की आपूर्ति करें। जी डॉक्टर साहब, और इसी के साथ अगर हम सिंचाई की बात करें तो कैसे हम कर सकते हैं इसमें? सिंचाई में यह है कि बाकी सब में अलग तरीके हैं कि जैसे आप फ्लडिंग है या स्प्रिंकलर करो या किसी तरीके से करो, कई तरीके की सिंचाई पद्धतियां हैं आज, लेकिन इसमें सिंचाई जो करते हैं इसको एक विशेष विधि कहते हैं बापसा। इसमें सिंचाई को इस तरीके से करते हैं कि बहुत कम पानी लगे, और जो भाप पानी की जो निकलती है उसका असर पौधों पे कैसे हो सीधे सीधे तरीके से, तो हम बहुत हल्की सिंचाई करते हैं और ऐसे समय पर करते हैं जो वाष्प निकले और उसे पौधे लें, उससे हमारे पौधों को ज्यादा फायदा हो और ज्यादा पाए। ये इसकी विशेषता है हमारे प्राकृतिक खेती की, इसमें हम बहुत ज्यादा पानी प्रयोग नहीं कर कम पानी से भी फसलों को अच्छे स्वस्थ तरीके से उगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है इनका। हेलो, नमस्कार जी। जी स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में, प्रश्न पूछे। धर्मवीर गांधीनगर से दिल्ली से बोल रहा हूँ साहब मैं। जी, और मैं ये पूछना चाहता हूँ, पुष्पा इंस्टीट्यूट से एक पहले प्रोग्राम में बताया था कि एक ऐसी डब्बी है जो आपके वो खाद बनाती है, उसमें पानी में मिला दो फिर कंटिन्यू उसको निकालते जाओ, फिर वो कभी भी पानी उसमें डालते रहो, खाद बनती रहती है, वो कौन सी खाद के बारे में बताया जाता है, ये कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल आपने सही सुना है धर्मवीर जी, ये पूसा डिकम्पोजर कहलाता है। हमारा जो पूसा डिकम्पोजर होता है इसमें बहुत तरीके के जीवाणु होते हैं। अब तो ये कैप्सूल में मिलेगा आपको, डब्बी भी नहीं मिलेगी, अब तो आपको एक कैप्सूल में मिलेगा। वो कैप्सूल आप उसके गुड़ और बेसन, उसकी एक विधि है जो कि उस पर लिखी रहती है, उस विधि के अनुसार आप उसका घोल बनाएं, कुछ दिन के लिए छोड़ें, तो वो बैक्टीरिया उसमें जो होते हैं ना, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और जितना जिस द्रव में हमने डाला था उसमें पूरे के पूरे हो जाते हैं। अगली लॉट क्या करते हैं उसी में से, जैसे हम दही बनाते हैं ना, दही में क्या होता है, जामन लिया, थोड़ा सा जामन हमने दूसरे उसमें डाल दिया हांडी में, पता चला एक चम्मच जीवाणु से 10 किलो दही बन गया, 20 किलो दही बन गया, फिर उसमें से एक चम्मच निकालो फिर 50 किलो बना लो। तो यही तरीका ये हमारा जीवाणु जो पूसा का है, और ये पूसा में हमारे उपलब्ध हमारे सूक्ष्म विज्ञान विभाग है,
उसमें आपको उपलब्ध है। उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी को इसका लाइसेंस दिया जा चुका है, तो बहुत जगह मिल जाता है आजकल पूसा के नाम से। डॉक्टर साहब, इसी के साथ अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।